पीएएफएफ के प्रवक्ता तनवीर अहमद राठेर ने वायरल तस्वीरों के साथ एक टेक्स्ट भी लिखा जिसमें दावा किया कि ट्रक के चालक को गोलियों की पहले राउंड्स में ही खत्म कर दिया था मार दिया गया था अगस्त 2021 में अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद नेटो द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अत्याधुनिक पेनिट्रेटिव एंड रिकोशेटिंग स्टील कोर गोलियां ये तालिबान से लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के पास पहुंची ये विश्वस्तरीय रिपोर्ट्स हैं इसके विषय में कि कैसे बख्तरबंद ढाल को ये भेद देती हैं और ये गोलियां अफगानिस्तान युद्ध के दौरान नेटो ने इस्तेमाल की थी अफगानिस्तान युद्ध खत्म हुआ तालिबान अब अफगानिस्तान पर काबिज है और यह हथियार जो उस वक्त वहां इस्तेमाल होते थे अब वो इस तरह के संगठनों के पास आ गए हैं बड़ी गंभीर रिपोर्ट है ये एक स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉर अफगानिस्तान सिगार की नवीनतम रिपोर्ट 28 फरवरी को आई थी जिसमें वो कहते हैं कि तालिबान अपने राजस्व प्रवाह को बढ़ाने के लिए पकड़े गए हथियारों और उपकरणों के एक हिस्से को बेच सकता है और वो अब आपको सामने दिख रहा है कि कैसे वो सामान बिक रहा है हथियार बिक रहे हैं बुलेट्स बिक रही हैं, और वो कहां इस्तेमाल हो रही हैं हमारे जवानों के खिलाफ हमारे सैन्य ठिकानों के खिलाफ लगातार उपयोग में लाए जा रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार अमेरिका निर्मित पिस्तौल राइफल ग्रेनेड दूरबीन नाइट विजन गॉगल्स सहित अमेरिका निर्मित उपकरण अफगान बंदूक डीलर गन डी, डीलर्स के पास पहुंच चुके हैं और वहां से वो बिक रहे हैं ऐसे आतंकी संगठनों के पास अब इसमें हमें इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि जो हमारी पिछली विदेश नीतियां थी उसमें जो रुख था तालिबान के प्रति वो रुख मोदी सरकार ने बदला है और तालिबान के साथ ना केवल बातचीत शुरू की है 2023 के बजट में अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपए की सहायता की भी घोषणा की है दिसंबर 2022 में काबुल में भारतीय तकनीकी टीम के सदस्यों ने तालिबान के मंत्रियों के साथ चर्चा भी की और भारत के जो प्रोजेक्ट्स हैं वहां उनको वापस से कैसे रिवाइव किया जाए उनको फिर से नवीनीकरण कैसे किया जाए उसका आह्वान भी किया और न्यू काबुल टाउन में, में निवेश को भी आमंत्रित किया जा रहा है वीजा मुद्दे और छात्रवृत्ति को भी इन्होंने उस बैठक में उठाया था भारत सरकार ने तो लगातार जो आतंकी हमले हुए हैं जनवरी 2023 बम धमाकों की दो अलग अलग घटनाओं में घंगरी गांव में आतंकी हमलों में छह लोगों की मौत हुई थी यह बमों की योजना कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के प्रयास के लिए बनाई गई थी अगस्त 2022 दरहल इलाके के परगल गांव में आत्मघाती हमला हुआ था जिसमें चार जवान और दो चार जवान तो शहीद हुए थे और दो अन्य घायल हुए इसमें भी यही कवच भेदी गोलियों का उपयोग किया गया था अक्टूबर 2021 में तीन सप्ताह से अधिक समय तक जारी एक तलाशी अभियान के दौरान वन क्षेत्र में चार दिनों के भीतर आतंकियों के साथ दो बड़ी मुठभेड़ों में नौ सैनिक शहीद हुए थे अगस्त 2021 में रजौरी में एक घर पर ग्रेनेड हमला हुआ एक नाबालिग लड़के की मौत हुई और अन्य कई घायल हुए तो लगातार हम आपको बताते रहे हैं, हैं सैन्य ठिकानों पर बढ़ रहे हैं आम नागरिकों पर बढ़ रहे हैं और जम्मू कश्मीर में जो स्थिति है वो आपके सामने रोज हम हर दूसरे दिन साझा करते ही हैं पूंछ आतंकी हमले पर मोदी सरकार चुप क्यों है एक तरफ तो सरकार चुप है दूसरी तरफ कपड़े बदल बदल कर भेष बदल बदल कर फूहड़ मजाक करते हुए प्रधानमंत्री सुनाई देते हैं एक तथाकथित चैनल में एक तथा कथित पत्रकार के वहां एक तथा कथित प्रधानमंत्री जिस तरह की टिप्पणियां करते हैं देख कर लगता नहीं है कि वो नेता है सीआरपीएफ कैंप आर्मी कैंप वायुसेना स्टेशन सैन्य स्टेशन पे लगातार पुलवामा पंपोर उरी पठानकोट गुरदासपुर अमरनाथ यात्रा सुंजवान सेना शिविर सैकड़ों जाने हम लोगों ने गवाई हैं पिछले आठ साल में और प्रधानमंत्री चुप हैं कोई इन पांच जवानों की अंत्येष्टि पर आपको मंत्री नहीं दिखा क्यों क्योंकि देश में चुनाव बड़े स्तर पर लोकसभा चुनाव नहीं है इसलिए यह देखते हुए कि पुंछ का तालिबान से सीधा सीधा संबंध है क्या मोदी सरकार के लिए तालिबान के साथ अपनी कूटनीतिक पहल और जुड़ाव करना उचित है क्या ये सही है कि अभी ये कूटनीतिक संबंध हमारे देश के तालिबान के साथ बने क्या यह सवाल तालिबान से उठाए जाएंगे क्या यह सच नहीं है कि मोदी सरकार ने हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है जिसमें कि जम्मू कश्मीर में एक हजार दो सौ उनचास आतंकी हमले हुए जिसमें साढ़े तीन सौ नागरिक मारे गए और पांच सौ उनहत्तर जवान शहीद हुए हैं वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टी नाइन टेरर अटैक्स इन जस्ट जम्मू एंड कश्मीर अलोन इन विच थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी सिविलियंस लॉस देर लाइफ एंड 569 जवान्स वर मार्टर्ड। दिस इज द स्टोरी ऑफ द नो नॉन सेंस नो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेरर पॉलिसी ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी यह कहानी यह दास्तान सरकार की आतंक विरोधी नीतियों की है तथा कथित आतंक विरोधी नीतियों की लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं दुनिया ने कई बार पहले देखा है हमारे सेना की पराक्रम को वो उन्नीस सौ सत्सठ का युद्ध हो इकहत्तर का युद्ध हो निन्यानवे का कारगिल युद्ध हो जब आमने सामने की लड़ाई होती है तो हमारे जवान किसी के सामने घुटने नहीं टेकते आगे वाले को घुटने टेकने पड़ते हैं लेकिन पीठ पीछे हमला हो इंटेलिजेंस फेलियर से हमला हो तो बताइए जवान क्या करेगा और इंटेलिजेंस एजेंसीज में कोई कमी नहीं है एक से एक आला अफसर एक से एक काबिल अफसर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज में बैठा है लेकिन जब सरकार की प्राथमिकता है कि ये जो आप मेरे सामने बैठे पत्रकारों के मोबाइल में घुसकर इंटेलिजेंस गैदर करनी हो या हम जैसे लोगों के मोबाइल में घुसकर इंटेलिजेंस गैदर करनी हो तो जाहिर सी बात है बात है कि आपकी प्राथमिकता राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस्तेमाल करने की है न कि आतंकियों के खिलाफ करने की कुछ महीनों के अंतराल के बाद बार बार यह घटना होती है लेकिन एक अजीब सी सन्नाटेदार चुप्पी सरकार की यहां से सुनाई देती है उल्टा ये होता है कि इस देश की आदत हम लोग जो, जो बचपन से किताबें पढ़ते थे उसमें एक नारा सुना था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा आज जो हमारे तथाकथित नेता बने हुए हैं बोले तुम चुप रहो मैं तुम्हें इनाम दूंगा मैं तुम्हें गवर्नर ही दूंगा और जो जिसको चुप कराने की कोशिश कर रहे थे आज वो बोल रहा है उसकी भी बातों का आप जवाब नहीं दे पा रहे हो तो हम अपने सवाल पूछ चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री हम सबकी जासूसी छोड़कर सुरक्षा बलों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की बजाय आतंकियों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और चुप्पी तोड़ेंगे पुंछ पर चुप्पी तोड़ेंगे पुलवामा पर सत्यपाल मलिक जी द्वारा कुछ खुलासे किए गए हैं उस पर भी चुप्पी तोड़ेंगे आपके सवाल नमस्कार मैं हूं मानक गुप्ता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज ट्वेंटी